कर साथियों, आज हम एक विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो विषय है हमारा भगत सिंह, युवाओं के जननायक। जैसा कि आप सभी भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत महान क्रांतिकारी थे और भारत माता के एक अमर सपूत थे। भगत सिंह का जो नाम है वो भारत के स्वाधीनता संग्राम में अमर और अमिट नाम है, जो बड़े गौरव और गर्व के साथ हर भारतीय आज भी उसे लेता है। अब यहाँ जो है हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आपको बताना चाहूँगा बड़े हर्ष के साथ कि कल 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिवस है और उसी के सिलसिले में आज हम पूर्व संध्या पर आपसे मुखातिब हुए हैं। तो भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह एक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारी चिंतन भी लोगों के सामने रखा था। क्रांतिकारी चिंतन का अर्थ ये था कि जो भी घटनाएं हो रही थी या जो भी घटनाएं आमतौर पर 1857 के बाद से लेकर के जब तक भगत सिंह एक क्रांतिकारी बने थे तब तक हो रही थी, तो उन सभी घटनाओं का वर्णन भगत सिंह ने अपने लेखों के माध्यम से अखबार में, पत्रिकाओं में और इनमें भगत सिंह ने दिया था और अनेकों अनेक क्रांतिकारियों से परिचय जनता का करवाया था। तो भगत सिंह के बारे में हम अब जानकारियाँ और अपना विमर्श शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ये है कि आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नामक एक गांव में हुआ था जो पंजाब जिले के अंदर था, पंजाब प्रांत के अंदर था। और उस समय जो पंजाब था वो भारत का हिस्सा था। फिर बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद बंगा नामक गांव पाकिस्तान के अंदर चला गया था और अभी वहाँ के पंजाब जिले के अंदर है। तो उस समय के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम श्रीमती विद्या देवी कौर था। भगत सिंह का लालन पालन उनके दादा की देख रेख में हुआ और वो अपने दादा श्री अर्जुन सिंह से बहुत प्रभावित थे। अर्जुन सिंह जो स्वयं क्रांतिकारी तो नहीं थे लेकिन वो अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ने की शिक्षा देते थे। और भगत सिंह को बचपन में उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनकी गुरु गोविंद सिंह, इनकी कहानियाँ सुनाई थी। तो भगत सिंह के मन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। अब आगे अपन बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों की कि भगत सिंह की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बंगा नामक गांव के बंगा चक नंबर 105 स्कूल में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा, 5वीं तक की शिक्षा जो हुई थी वो बंगा में हुई थी। हालांकि उसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है लेकिन 5वीं तक की शिक्षा जो थी वो बंगा में हुई थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि वो लाहौर चले गए थे जहाँ उनके पिता भी रहते थे और एक वर्ष तक वो लाहौर के छात्रावास में रहे थे। तो लाहौर जब उनकी आगे की शिक्षा पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने DAV स्कूल में एडमिशन लिया था। ये जो स्कूल थी और जो कॉलेज थे उनके आगे के, ये स्वतंत्रता संग्राम की महान देन थी। महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया था तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि आप स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ, स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ जरूरी है लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। तो उन्होंने शिक्षा का प्रसार के लिए नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल ये खोले थे और 6ठी क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक DAV स्कूल में पढ़े भगत सिंह। और फिर उसके बाद में नेशनल कॉलेज FA के एग्ज़ाम के लिए भगत सिंह चयनित किए गए। और भगत सिंह बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे जिनको पढ़ने का बहुत शौक था और किताबें उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो जब उनका FA का एग्ज़ाम लिया गया तो वो इतना अच्छे तरीके से हुआ कि भगत सिंह को सीधे 9th के बाद में FA में एडमिशन मिल गया और FA के बाद में BA। तो भगत सिंह और जो नेशनल स्कूल थी, नेशनल कॉलेज थे, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, तो वहाँ के चांसलर थे लाला लाजपत राय और प्रिंसिपल थे जुगल किशोर और वाइस प्रिंसिपल थे भाई परमानंद।
तो इन्हीं सब का जो है भगत सिंह के जीवन पर प्रभाव पड़ा और वहाँ पर उन्होंने आज़ादी की जो विश्व की जो दर्शन थे वो भी उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद में भगत सिंह को जब लाहौर में उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, शिक्षा पूरी हो गई, तो भगत सिंह आज़ादी प्राप्त करने के लिए, आज़ादी के लिए इधर क्रांतिकारियों से जुड़ने लगे और गदर पार्टी का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे तो उनका बहुत भगत सिंह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। दार्शनिक चिंतन जैसे लाला हरदयाल और एक रूसी दार्शनिक थे, युवक दार्शनिक थे, द्रोबा न्यूबोव, तो उनका बहुत प्रभाव पड़ा था भगत सिंह के दार्शनिक चिंतन के ऊपर। इसी के सिलसिले में भगत सिंह फिर जब भगत सिंह की उम्र 14 साल थी, 14 ईयर्स जब भगत सिंह थे, तो उस समय 1921 का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसमें कारखानों से निकलने वाले मजदूर, शहरी मजदूर, ग्राम के किसान सभी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था वो असहयोग आंदोलन। तो लाहौर के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, भगवती चरण वोरा, यशपाल, जयदेव, भगत सिंह, सभी ने उस आंदोलन में बहुत भाग लिया था, बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उसी आंदोलन में भाग लेते हुए जब भगत सिंह को ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो जत्था जा रहा था, तो अंग्रेजी सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि आप में से किसी भी गांव में इन जत्थों को कोई खाना पानी नहीं देगा। तो भगत सिंह के जो दादा थे अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह के भाई थे सुरजन सिंह, तो अर्जुन सिंह का जो परिवार था वो तो था राष्ट्रप्रेमी, और सुरजन सिंह जो थे वो अंग्रेजों के टाउट थे। तो जब बात चली कि इनको खाना पानी कौन दे रहा है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तो उनको ये बात चली कि ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो जत्थे जा रहे हैं इनको खाना पानी कौन दे रहा है। तो अंग्रेजों के पास बात गई तो उन्होंने टाउट से पूछा कि आप बताइए कि खाना पानी कौन दे रहा और आपके रहते हुए कौन दे रहा खाना पानी। तो उन्होंने ये कहा कि पूरे गाँव को तो मैंने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मेरे ही घर का एक लड़का है, 14 साल का मेरे ही घर का एक लड़का है, तो उन्होंने वो जो है खाना पानी दे रहा बंद नहीं कर रहा। तो उस टाइम भगत सिंह, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ताउम्र भगत सिंह ने, पूरी ज़िंदगी भगत सिंह ने सफ़ेद खादी की पगड़ी पहनी थी, पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र भगत सिंह ने सफ़ेद खादी की पगड़ी पहनी थी। और एक बार जब ये 1921 का था, जब उनकी एज 14 ईयर्स थी, तो उस समय प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने एक बार पूरे जीवन में काली पगड़ी पहनी थी। तो बचपन से उनका जो था आज़ादी की तरफ रुझान था और वो अपने देश को स्वाधीन करवाना चाहते थे। और यह रूसी विदेशी परंपरा में, विदेशी दार्शनिक परंपरा में, जब भगत सिंह ने पढ़ा, गैरिबाल्डी को पढ़ा, लियो टॉलस्टॉय को पढ़ा, मेजिनी को पढ़ा और लेनिन को पढ़ा और द्रोबा न्यूबोव को पढ़ा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। भगत सिंह महान दार्शनिक क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने न केवल खुद क्रांति की बल्कि जनता के सामने लेख छाप छाप करके जो है उन्होंने क्रांति की। अब यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनका जो परिवार है वो स्वाधीनता संग्राम का बहुत बड़ा समर्थक था। तो उनके पिता के दो छोटे भाई थे, सरदार किशन सिंह जी के दो छोटे भाई थे, एक थे सरदार अजीत सिंह और एक थे सरदार स्वर्ण सिंह। अब सरदार अजीत सिंह जो थे वो जब भगत सिंह 3 साल के थे, यानी 1910 के अंदर जब भगत सिंह 3 साल के थे, तब सरदार स्वर्ण सिंह को जेल के अंदर तपेदिक बीमारी से वो शहीद हो गए थे। तो भगत सिंह की उम्र में ही, 23 साल की उम्र में ही सरदार स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे। इसके बाद में जब भगत सिंह 3 साल के थे और सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन पंजाब के अंदर, उसका नाम था पगड़ी समाल जट्टा। तो पगड़ी समाल जट्टा जब वो आंदोलन चलाया और वो आंदोलन इतना व्यापक हो गया था पंजाब के अंदर कि लाला लाजपत राय को तो उन्होंने बहुत सारा जेल वेल भी दी गई, लेकिन सरदार अजीत सिंह को जलावतन कर दिया गया, मतलब उनको एग्जाइल कर दिया गया कि आप जो है इस देश में आने के काबिल नहीं है, और इस देश से आप उनको देश निकाला दे दिया गया। फिर वो बाद में इटली और काफ़ी अलग अलग जगहों पर रहे। इसके बाद तो भगत सिंह पर इन सब का पूरे परिवार के माहौल का बहुत फर्क पड़ा, और उनके दादाजी जो थे वो आर्य समाजी थे, और जब तक भगत सिंह का जब हुआ था तो उन्होंने भगत सिंह का जब यज्ञोपवी संस्कार भी करवाया था। इसके बाद भगत सिंह का अगर अपना आगे देखते हैं तो भगत सिंह का जब यज्ञोपवी संस्कार हुआ था तो उनके जो दादा थे
सरदार अर्जुन अर्जुन सिंह ने करवाया था और ये कहा था कि मेरे घर के दो सबसे बड़े बेटे, मेरे घर के दो सबसे बड़े बेटे मैंने वतन के नाम कुर्बान कर दिए हैं। तो भगत सिंह जी की तो 11 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तो 16 साल की उम्र में भगत सिंह का जब विवाह की बात आई तो उन्होंने जो एक पत्र अपने पिता के नाम लिख करके और वो घर से भाग करके कानपुर चले गए, क्योंकि उनको विवाह नहीं करना था और भारत की स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेना था। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरे को जो है बाबा ने यज्ञोपवीत के समय खिदमत वतन कर दिया था, मतलब वतन के नाम कर दिया था, तो मैं ताउम्र मेरी ये जो ज़िंदगी है वो देश के लिए हो चुकी है। तो ये सब करके वो कानपुर चले गए और कानपुर जाने के बाद में एक बहुत बड़े पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी, तो उन गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप नामक एक पत्रिका चलती थी, तो उस प्रताप पत्रिका में उन्होंने काम कानपुर के अंदर ही इनकी चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा और इनसे बटुकेश्वर दत्त, इनसे मुलाकात हुई थी कानपुर के अंदर ही। फिर वहाँ कुछ काम किया और निकट के एक कस्बे में इन्होंने वहाँ अध्यापन का कार्य भी किया, जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को एक प्रिंसिपल बना करके भेजा था, प्रधान अध्यापक बना करके भेजा था। तो ये शिक्षा का प्रसार करना ही इन क्रांतिकारियों का बिल्कुल रहा था और ये महात्मा गांधी की शुरुआत थी, लेकिन इन सब ने निभाया उस चीज़ को। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में जब क्रांतिकारियों का मन उछट गया, जब उस चीज़ से हट गया कि आज़ादी इस रास्ते से अब नहीं पाई जा सकती, आज़ादी के लिए सशस्त्र विद्रोह भी होना चाहिए, तो उन्होंने पंजाब आकर के भगत सिंह ने सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर के और एक पंजाब छात्र संघ बनाया, नौजवान भारत सभा 1926 में बनाई और इसके बाद हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ बनाया, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे उन्होंने एक किताब लिखी है बंदी जीवन, तो उस समय वो बहुत फेमस हुई थी किताब और आज भी उतनी ही फेमस है। तो बंदी जीवन जो सचिंद्रनाथ सान्याल जो बंगाल के रहने वाले थे उन्होंने लिखी थी, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने ये किया था कि जो भी बंगाल के अंदर युगांतरी वो पार्टी थी और बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी अलग अलग, तो उन सबको पूरे भारत की पार्टियों को उन्होंने एक करके और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ बनाया था, और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक का एक सशस्त्र अंग भी रखा गया था जो था हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सेना। अब 8-9 सितंबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, 8-9 सितंबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और सभी साथियों की, मतलब उनमें उसमें चार प्रांतों से 10 क्रांतिकारी आए थे, उत्तर प्रदेश से 3, बिहार और पंजाब से 2-2, एक राजस्थान से थे और कुछ आसपास के थे, तो 10 क्रांतिकारी आए थे। और उस जो वो पार्टी की मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उनको किसी सुरक्षा कारणों की वजह से मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। फिर इसके बाद में उसमें जब 8-9 सितंबर की मीटिंग हुई थी तो उसमें भगत सिंह का प्रस्ताव था कि अपने को ये जो हिंदुस्तान समाजवादी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ है इसको हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ इसका नाम रखना चाहिए और इसके सशस्त्र अंग का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना रखना चाहिए। तो इस पर जो है सभी क्रांतिकारियों की लगभग सहमति हो गई थी, लेकिन जो दो क्रांतिकारी थे बिहार के उनके नाम थे फणीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी, ये दोनों जो लाहौर केस में फिर पुलिस के गवाह भी बने, मतलब इन्होंने गद्दारी भी की थी, तो ये दोनों फिर समाजवाद शब्द के खिलाफ हो गए, इन्होंने समाजवाद शब्द का विरोध किया, लेकिन और क्रांतिकारियों के समर्थन भगत सिंह का समर्थन करने से वो प्रस्ताव पारित हो गया और फिर बाद में इन्होंने वो शब्द जोड़ दिया, फिर बाद में ये हो गया था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। इसके बाद में 1928 के बाद में जब भगत सिंह और सभी भूमिगत आंदोलन करते रहे, क्रांतिकारी करते रहे, भगत सिंह की अब तक आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भगत सिंह की अब तक केवल 4 फोटो उपलब्ध है। ये जो भी लोग पीली पगड़ी पहना करके उनको करते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग पिस्तौल दिखा करके फ़ोटो उनकी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और बहुत सारी जो ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ये सब एक तरीके से बड़ी शर्मनाक बात है कि बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ आप सोर्स इकट्ठा किए, स्रोत इकट्ठा किए या कुछ भी एक ऐसी चयनित चीज़ें पढ़े जो वास्तव में स्वाधीनता संग्राम से हमारा हकीकत का परिचय करवाती है, उनको बिना पढ़े यदि पीली पगड़ी पहनी हुई फ़ोटो को शेयर करना, पिस्तौल हाथ में दिखा करके शेयर करना, तो ये सब फ़ोटो गलत है। ओनली भगत सिंह की 4 फ़ोटो है, एक 10 साल की उम्र में खींची गई थी जो उनके घर की थी, और दूसरी फ़ोटो उनकी थी वो 16 साल की उम्र की थी जो उनके लाहौर स्कूल में एक नाटक था, तो उस नाटक के उस पूरी ग्रुप की फ़ोटो है वो।
और उसके बाद में 20 साल की उम्र में जब उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी मई 1927 में दशहरा बम कांड में, दशहरा बम कांड हुआ था 1926 के अक्टूबर महीने में, तो उसी के चलते भगत सिंह जब एक बगीचे में टहल रहे थे तो उसी समय पुलिस ने उनको घेरा और वहाँ से हिले डुले नहीं बाकी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मई 1927 में जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो पहली गिरफ्तारी की फ़ोटो थी वो एक, जिसमें उनके सर पर पगड़ी नहीं है और जूड़ा बना हुआ है बालों का, तो उनकी ये तीसरी फ़ोटो थी। और चौथी फ़ोटो थी जब दिल्ली असेंबली में बम फेंकने से पहले उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक स्टूडियो में खिंचवाई थी दिल्ली की, तो वो उनकी एक फ़ोटो थी। वो चार फोटो है जो एक हेट में है, एक पगड़ी में है, एक बिना पगड़ी में है और एक जब वो 10 साल के थे तब की है। तो ये चार चित्र मात्र आज उपलब्ध हैं, बाकी के सारे चित्र फेंक है, बाकी के सारे चित्र जो हैं वो भगत सिंह के नहीं हैं। तो इन्हीं के चलते जब वो जब प्लान बना बाद में, तो उन्होंने ये कहा कि जब फ्रांस में एक क्रांतिकारी थी जिनका नाम था वेलियां, तो उन वेलियां के जो उन्होंने ये किया था कि फ्रांस की असेंबली में जाकर के बम फेंक दिया था और ये कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे धमाकों की ज़रूरत होती है, ऊंचे शब्दों की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ फिर उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोहराई, सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के दोहराई। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य किसी को मारने का नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को भी मारने का नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि बहरों को ये सुना दिया जाना चाहिए कि अब भारत को आपको स्वतंत्र करना ही होगा, अब भारत जो है वो पराधीन नहीं रह सकता। इससे पहले भगत सिंह के ऊपर एक केस था जो चल रहा था, वो केस ये था कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन जो था लॉर्ड साइमन, तो वो लाहौर आया था, तो उन्होंने लाला लाजपत राय की अगुवाई में एक विरोध किया गया था लाहौर के अंदर। तो उस विरोध को दबाने के लिए दो पुलिस अधिकारी थे, एक तो थे जेम्स स्कॉट और दूसरे थे जॉन सॉन्डर्स। तो जॉन सॉन्डर्स थोड़े से सुपरिंटेंडेंट थे और जेम्स स्कॉट बड़े अधिकारी थे। तो उन सबकी प्लान और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। उस लाठी चार्ज में ठीक 18 दिन बाद लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी। तो इसी के जो है विरोध हुआ, इसका बहुत विरोध हुआ लाहौर के अंदर भी। और एक बसंती देवी थी, तो बसंती देवी ने यह कहा कि भगत सिंह को, कि भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों को, कि लानत है भारत देश के युवाओं पर जो एक 30 करोड़ जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, 30 करोड़ के सम्मानित नेता लाला लाजपत राय की एक अदना सा पुलिस ऑफिसर हत्या करवा देता है और यहाँ के युवा मौन रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते। तो भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों का प्लान बना कि स्कॉट को जो है वो मारना है और राष्ट्रीय अपमान, इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना है जो उन्होंने भारतवर्ष का किया है। तो सभी क्रांतिकारियों की मीटिंग के बाद में तय हुआ कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। इसके बाद में जो स्कॉट तो बाहर नहीं आया, लेकिन जॉन सॉन्डर्स जो था उसका भी हाथ था लाला लाजपत राय की हत्या में। तो उसके ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस मुख्यालय के सामने पहली गोली स्कॉट के ऊपर नहीं, सॉन्डर्स के ऊपर, जेपी सॉन्डर्स के ऊपर राजगुरु ने चलाई और फिर उसके बाद में भगत सिंह ने उसको ढेर कर दिया। इसके बाद में फिर वो ये राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया गया था। और फिर इसके बाद में 18 दिसंबर 1928 को एक नोटिस जारी किया गया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की तरफ से। तो उन्होंने उस नोटिस में ये कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारने का नहीं था और हमें खेद है कि हमारे द्वारा एक व्यक्ति मारा गया, लेकिन क्रांति की वेदी पर कभी कभी रक्तपात अनिवार्य हो जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यह 18 दिसंबर 1928 का उनका नोटिस था। इसके बाद वो जो है वहाँ से चले गए और भगवती चरण वोरा जो क्रांतिकारी आंदोलन के मस्तिष्क थे, जो मस्तिष्क का दर्जा रखते थे, भगवती चरण वोरा, आजकल के वर्तमान समय में युवाओं को उनका नाम भी मालूम नहीं है कि भगवती चरण वोरा कौन थे। भगवती चरण वोरा एक बहुत शिक्षित और बहुत प्रशिक्षित क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारी पूरे जो संग्राम था उसको वैचारिक दृष्टि दी थी। तो भगवती चरण वोरा और भगत सिंह की जोड़ी वैसे ही थी जैसे मार्क्स और एंगल्स की जोड़ी थी। इसके बाद जो है उन्होंने वो दुर्गा भगवती चरण वोरा जी की एक पत्नी है, वो भी स्वाधीनता संग्राम की सदस्य रही है और उनका नाम था श्रीमती दुर्गावती जी, जिनको सभी दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। तो उनका बहुत योगदान रहा था और वो भगत सिंह की फिर पत्नी बनकर के वहाँ से लाहौर से वो निकले और राजगुरु नौकर बन के निकले। तो वहाँ से आउट ऑफ लाहौर चले गए फिर वो।
उसके बाद में जब ये असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे, तो वहाँ सीधा सा बिल्कुल इनको ये था कि आपको भाग करके नहीं आना है वापस, और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी देनी है। गिरफ्तारी देने का मतलब था फांसी होना, क्योंकि उन पर पहले ही सांडर्स हत्या का केस चल रहा था। इसके बावजूद भगत सिंह ने बम उस जगह फेंके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जहाँ किसी को कोई हानि नहीं पहुँचे। आधा दर्जन लोग, तकरीबन 6 या 7 लोगों को हल्की सी मामूली मामूली चोटें आई थी, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उन्होंने वहाँ हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक, समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के पर्चे भी फेंके, जिसमें ये लिखा था कि आपको ये छोड़ करके जाना पड़ेगा अब ये देश, और ऐसी तमाम बातें लिखी हुई थी जो क्रांतिकारी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई थी। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, और गिरफ्तारी देने के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया और दिल्ली में उनको गिरफ्तार करके रखा गया। इसके बाद में उन पर केस चला और 12 जून 1929 को भगत सिंह और उनको श्री बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में। इसके बाद में उनको लाहौर लाया गया, जिसमें भगत सिंह को मियांवाली जेल में रखा गया और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। फिर भगत सिंह ने बाद में खूब विरोध किया तो उनको मियांवाली जेल से ला करके लाहौर सेंट्रल जेल में रख दिया। इसके बाद में 15 जून 1929 को सभी सदस्यों के साथ, सभी क्रांतिकारी सदस्यों के साथ धीरे धीरे सभी पकड़ में आ गए थे। एक तो राजगुरु पुणे से पकड़ में आ गए थे और सभी आ गए थे धीरे धीरे। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और भगवती चरण वोरा इत्यादि जो लोग थे वो पकड़ में नहीं आए थे। तो भगत सिंह ने एक ये कहा कि आप जो है, हम भूख हड़ताल का नोटिस जारी कर दिया, और भूख हड़ताल उन्होंने की। भूख हड़ताल के बाद में 5 जुलाई 1929 को पंडित नेहरू से इनकी मुलाकात हुई थी भगत सिंह की। तो 5 जुलाई 1929 को जब पंडित नेहरू से इनकी मुलाकात हुई, तो पंडित नेहरू ने उसका बयान भी दिया था कि ये लोग थे, ये इतने सशक्त थे कि ये अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने वाले लोग थे, और इस समय जतिन दास की हालत बहुत नाजुक है और ऐसा लग रहा है मानो वो प्राणोत्सर्ग करना चाहते हो। ये पंडित नेहरू का बयान था। और उन्होंने ये कहा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तमाम साथी उनसे ऐसे मिले, उनके चेहरे पर कोई गुस्से का भाव नहीं था, और जतिन दास की हालत ऐसी है कि वो मुश्किल से ही बुदबुदा पाते हैं, यानी उनकी हालत जो है बोलने की भी नहीं है। फिर भूख हड़ताल के आंदोलन के 63वें दिन जतिन दास शहीद हो गए थे, और उनके शहीद होने के बाद में जब उनको लाखों लोग उनके शहादत के लिए आए, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, और जब उनका जो पार्थिव देह थी उनकी वो कलकत्ता पहुंची, तो वहाँ 4 लाख लोग उनके शहादत में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तो इसी के चलते एक मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक गलत लेख लिख दिया था कि ये युवा गलत रास्ते पर हैं, और ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार में लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल में से ही जो है इनका जवाब दिया, और बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया, और ये कहा कि मॉडर्न रिव्यू के संपादक को इनकलाब क्या है ये उन्होंने समझाया। तो उन्होंने कहा कि इनकलाब का अर्थ खूनी संघर्ष नहीं है, इनकलाब का मतलब है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, पूरे का पूरा परिवर्तन, यहाँ तक कि जो है उसको पूंजीवाद को हटा करके समाजवाद ला देना, ये उनका बहुत वो रहा था। भगत सिंह कहा करते थे कि आलोचना और स्वाधीन विचार क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण थे। बहुत सही सवाल आया सर का भी कि विद्यार्थी राजनीति पर, तो भगत सिंह ने एक विद्यार्थी राजनीति पर विद्यार्थियों को लेख के द्वारा प्रस्तुत किया उन्होंने अपना व्यू। तो उन्होंने ये कहा था कि विद्यार्थी का मुख्य काम, छात्रों का मुख्य काम पढ़ना है, और हम उन्हें इस काम से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना और उनके निराकरण के लिए उपाय सोचना, ये भी शिक्षा में शामिल होना चाहिए, और विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर वे मैदान में आ खड़े हों। तो ये आज की परिस्थितियों में भी बिल्कुल एक तरीके से सूटेबल थॉट है कि विद्यार्थियों को राजनीति से परहेज नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही तथ्यों के साथ में नहीं आओगे तब तक फेंक का दुष्प्रचार होता रहेगा। जैसे अभी चलता रहता है कि भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल दिखाई जाती है, भगत सिंह के हाथ में जो है पीली पगड़ी पहनाई दिखाई जाती है, भगत सिंह को एक बहुत गंभीर व्यक्ति बताया जाता है, तो वो ऐसे नहीं थे, वो बड़े हंस खुश रहते थे और मस्त मौला इंसान थे, जिंदा दिल इंसान थे। और भगत सिंह पिस्तौल नहीं रखते थे, भगत सिंह अपने पास में किताब रखते थे,
भगत सिंह आमतौर पर कुर्ता और पजामा पहनते थे, तो उनके कुर्ते की एक जेब में तो रहता था रहती थी एक डिक्शनरी और एक जेब में रहती थी एक बुक्स। अब वो बुक्स किसी की भी हो सकती है, मेजनी की हो सकती है, गैरिबाल्डी की हो सकती है, लेनिन की हो सकती है, कार्ल मार्क्स की हो सकती है, एंगल्स की हो सकती है, रविंद्रनाथ टैगोर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है वो बुक्स। और बुक्स पढ़ने का उनको बहुत शौक था। कहीं भी गए और चारपाई पर बैठ गए तो वो बुक्स निकाल करके पढ़ने लग जाते थे। एक बार ऐसा एक मजाकिया किस्सा है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे ही जो है एक बार जयदेव जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, भगत सिंह को फिल्म देखने का बहुत शौक था। तो भगत सिंह को फिल्म देखने का बहुत शौक था और जब वो घर से भाग करके आ गए थे तो उनके खाने और फिल्म देखने का उनको शौक था और उनके पढ़ने की व्यवस्था तो द्वारकादास लाइब्रेरी जो थी लाहौर के अंदर वहीं से हो जाती थी, जो लाला लाजपत राय ने खुलवाई थी। और अपने घर से तकरीबन 3 या 4 हज़ार किताबें खुद लाला लाजपत राय ने डोनेट की थी। तो उसके बाद में उन्होंने किताबें वहीं से आ जाती थी। इसके बाद में उनके खाने का जो इंतजाम था वो उनका एक दोस्त था भगत सिंह का, उसका नाम था रामकिशन। तो रामकिशन एक खाने की होटल किया करता था तो उनके खाने का इंतजाम वहीं से हो जाता था। अब फिल्म देखने की बात को जयदेव को पकड़ते थे तो उस समय 5 आने 10 आने का टिकट आता था। तो एक बार जयदेव ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ इससे, तो एक काम करते हैं, उन्होंने जयदेव ने भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। तो भगत सिंह बोले क्यों, क्या हुआ? तो भगत से जयदेव बोलते हैं कि मुझको जो है एक गंभीर बीमारी हो गई है। तो भगत सिंह बोले क्या बीमारी हुई? तो उन्होंने कहा जयदेव ने कि मुझको डाइसपेप्सिया बीमारी हो गई है। तो भगत सिंह बोले कि डाइसपेप्सिया ये कौन सी बीमारी होती है? तो भगत सिंह फटाफट जो उन्होंने अपनी जेब से एक डिक्शनरी निकाली और डिक्शनरी में देखा कि डाइसपेप्सिया का मतलब क्या होता है। तो डाइसपेप्सिया एक एसिडिटी वाली पेट की बीमारी है जो आमतौर पर एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। से गुस्सा मारा और कहा कि अब ठीक हो गया तो चलो अब अपन चलते हैं फिल्म देखने। और फिल्म देखने का इतना शौक था भगत सिंह को कि भगत सिंह 5 फुट 10 इंच का वो नौजवान जो पूरी की पूरी लाइन को क्रॉस करके खिड़की के पास सबसे पहले जा करके और फटाफट अपना टिकट ले लेता था और फिल्म में चार्ली चैपलिन की फिल्म में खूब देखता था। इसके बाद में भगत सिंह की जब गिरफ्तारी हो गई थी तो ये तो थे, और उसके बाद में जब वो एक बार कोर्ट के अंदर गए थे तो उन्होंने ये भी, यहाँ भी एक मज़ेदार किस्सा है कि जब वो एक बार कोर्ट के अंदर गए थे तो कोर्ट के अंदर जब उन्होंने उनको जो है अदालत की कार्रवाई रुकवानी थी तो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में पकड़ में आए थे, तो उनके लिए बंगाल से रसगुल्ले का पार्सल आया था। तो उसको जो है अंग्रेज अधिकारियों ने मना कर दिया था कि आप जो अदालत में कुछ नहीं खा सकते, और उसको जो गिरा दिया था और वो ख़राब हो गए थे। तो उन्होंने जब वो अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो गई भगत सिंह और उनके साथियों पर, तो वो भगत सिंह ने कहा कि सर पहले जज साहब को कि मिलोर्ड आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ जो है हमारे जो दोस्त हैं उनके रसगुल्ले आए हैं, तो उन रसगुल्लों का अपने उसके पैसे कौन देगा? आपके पुलिस अधिकारियों ने उनको गिरा दिया। तो इतनी लंबी बहस चली वो कि वहाँ लगने लगा कि गवाह ज़्यादा ज़रूरी है, रसगुल्ले ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर भगत सिंह ने कहा कि रसगुल्ले ज़्यादा ज़रूरी हैं, गवाह तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले रसगुल्ले ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये बहुत मज़ेदार किस्से रहे हैं उनके। इसके बाद में रही थी उनकी बात कि 1929 में उनकी गिरफ्तारी के बाद में जतिंदा शहीद हो गए थे, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे उनका क्रांतिकारी चिंतन रहा। तो पंजाब के अंदर उन्होंने कीर्ति, इलाहाबाद की अभ्युदय, दिल्ली की वीर अर्जुन और महारथी, इनमें पश्चिम कोलकाता की मतवाला, इन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया और उनका चिंतन बहुत व्यापक रहा था। 1928 में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें पंजाब के युवाओं को उन्होंने कौन से नेता के साथ जाने की सलाह दी थी। तो उन्होंने उस हिंदुस्तान के उभरते जो दो युवा नेता थे उनमें थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे पंडित नेहरू। तो उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए सुभाष चंद्र बोस को बहुत जज्बाती बताया था और पंडित नेहरू को क्रांतिकारी आंदोलन का, क्रांतिकारी विचार का व्यक्ति बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को पंडित नेहरू के साथ जाना चाहिए, लेकिन अंधे पैरोकार बनकर के नहीं, अंधता का शिकार होकर के नहीं, आप सोचिए समझिए और फिर उसके बाद में पंडित नेहरू का साथ दीजिए। इसके बाद में धीरे धीरे छूत समस्या पर लिखा कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो है व्यक्ति व्यक्ति को नहीं छू सकता, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय का भी उन्होंने जिक्र किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि सामने तो आप वो माला पहन लेते हैं किसी भी हरिजन से या जिसको अछूत से, लेकिन फिर उसके बाद में कपड़ों से स्नान करते हैं।
तो ये भी उनके अछूत समस्या में लेकर सांप्रदायिक दंगे, जो आज इस समय की विशेष हालत है, सांप्रदायिक दंगे या संप्रदाय में युवाओं की कुंठा, ये जो है आज के दौर में भी बहुत देखी जाती है। कोई हिंदू बनता है, कोई मुसलमान बनता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई कौन बनता है, लेकिन कोई विरले ही होते हैं वो लोग जो भारतीय बनते हैं, और शायद विरले ही होते हैं वो लोग जो इंसान बनते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जब जैसे कि कार्ल मार्क्स का कथन था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, तो उसी को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा था कि धर्म में मत उलझिए, धर्म जो है व्यक्तिगत होता है, आप धर्म को व्यक्तिगत रखिए, और राजनीति के तौर पर जब राष्ट्र के तौर पर आप सभी एक हो जाइए। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस धर्म के जो भी चोगे आपको पहनाने वाले हैं, धर्म की अंधता में आपको शामिल करने वाले हैं, या धर्म के नाम पर आपको भावुक करने वाले जो लोग हैं, उनसे बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, और उनसे सवाल करने की ज़रूरत है, और ये भी सवाल करने की ज़रूरत है कि जब राजनीति हो तो उसमें धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दों का ध्यान रहना चाहिए। तो ये उस समय की बात थी जो आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद में उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर जो लिखा था उसमें ये कहा था भगत सिंह ने कि जैसे उन्होंने कहा था कि दो लोगों का बहुत योगदान रहता है सांप्रदायिक दंगे करवाने में। एक तो वो होते हैं जो धार्मिक विचारों से एक दूसरे की भावनाओं को आहत करते रहते हैं, और दूसरे जो मुख्य सज्जन होते हैं वो होते हैं पत्रकार। तो पत्रकारों में हम आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारी हेडलाइंस न्यूज चैनल में इस प्रकार की चलाई जाती है जिनसे जनता उत्तेजित होती है, जिनसे जनता जो है हिंसा पर उतारू हो जाती है, तो वो जो है ठीक नहीं है। भगत सिंह ने ये कहा था कि पत्रकारों का व्यवसाय जो एक समय बहुत ऊंचे दर्जे का समझा जाता था, आज बहुत गिर गया है, जबकि पत्रकारों का असली काम यह है कि आप असली मुद्दे जनता के सामने लाए, सोर्स के साथ अच्छी जानकारी लेकर के आएँ, और जनता को धार्मिक या किसी भी प्रकार की भावना का शिकार हुए बिना अपने कर्तव्य की सही शिक्षा दें। तो सही शिक्षा देना अखबार वालों का एक मुख्य काम है। इसके बाद में भगत सिंह ने बहुत सारे कुछ लेख भी लिखे थे। उनका व्यापक दृष्टिकोण था और व्यापक ही लेख था। भगत सिंह ने कई जेल में भी लेख लिख करके बाहर भेजे थे। और एक यहाँ होता है कि जब 23 दिसंबर 1929 को भगवती चरण वोरा और यशपाल ने वॉइस रॉयल थे भारत के, उनकी स्पेशल ट्रेन उड़ाने का प्रयास किया था, हालांकि उसमें आंशिक सफलता मिली थी, मतलब उनमें कंप्लीट सफलता नहीं मिल पाई थी। वॉइस रॉय बच गए थे लेकिन कुछ एक दो अधिकारी मारे गए थे। तो वॉइस रॉय की जब ट्रेन गाड़ी उड़ाने की जो की गई थी उसमें आंशिक सफलता मिली थी, तो इसके चलते गांधी जी भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों की आलोचना करने में अंग्रेज सरकार से एक कदम आगे रहते थे। तो उन्होंने आलोचना कर दी बम का दर्शन लिख करके, द कल्ट ऑफ बम। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने बम का दर्शन लिख करके और सभी क्रांतिकारियों की आलोचना कर दी। तो भगवती चरण वोरा ने बम का दर्शन लिखा फिर, तो जिसको पूरा किया था जेल के अंदर से ही भगत सिंह ने। तो उस बम के दर्शन में ये बताया गया था कि हम जो है क्रांति एक खूनी संघर्ष नहीं है, लेकिन क्रांति की वेदी पर कभी कभी रक्तपात अनिवार्य हो जाता है, और हमारी तो यही सोच है कि हम जो है इस व्यवस्था में पूरा परिवर्तन करें, मतलब पूंजीवादियों द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, और सभी खुश रहे, प्रसन्न चित रहे। उन्होंने भगत सिंह ने एक जगह आज़ादी का अर्थ ये भी बताया था कि आज़ादी का अर्थ महज अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा नहीं है, आज़ादी का अर्थ है सब परस्पर घुल मिल कर रहें और किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शोषण नहीं हो और पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी। इसके बाद में भगत सिंह ने 5-6 अक्टूबर को एक बहुत ही उम्दा, और उसको तकरीबन जब भी युवा पढ़े तो उसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ा जाना चाहिए, मैंने खुद इतनी बार पढ़ा, तो वो था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट। तो ये 5-6 को भगत सिंह ने लिखा था जेल के अंदर ही लेख, तो ये बहुत बड़ा लेख था मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उन्होंने बताया था शुरू से लेकर के कि, और ये लेख भी इसलिए, इस लेख की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि गदर पार्टी के भाई रणधीर सिंह थे जो क्रांतिकारी आंदोलन से संपर्क रखने के कारण हवालात में थे, और उन्होंने भगत सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन एक बार उन्होंने ये मिलने से इनकार कर दिया था क्योंकि भगत सिंह ने अपने बाल कटवा दिए थे और पगड़ी हटा दी थी। पगड़ी हटाने के पीछे एक हमारे भारत के इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी जी, उनका एक कथन मेरे को बहुत अच्छा याद आता है कि उन्होंने ये कहा था कि उस 21.5 साल के व्यक्ति का, उस 21.5 साल के व्यक्ति का, नौजवान का सर इतना बड़ा हो गया है कि अब उस पर किसी भी धर्म की पगड़ी नहीं जचती।
भाई रणधीर सिंह जो थे उन्होंने मना कर दिया था। तो भगत सिंह ने उनको पत्र लिखा और ये कहा कि मैं सिक्कों की अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ, अभी तो मैंने एक अंग केश कटवाए हैं, जल्द ही गर्दन भी कटवाऊँगा, और मैंने जो केश कटवाए हैं वो भी खुद के लिए नहीं वतन के लिए कटवाए हैं, जल्द ही गर्दन भी कटवाऊँगा, लेकिन मुझे एक सिक्क की तंग दिली और तंग नजरी का गिला रहेगा। इसके बाद में उन्होंने जो है बहुत बड़ा अध्ययन करके और मैं नास्तिक क्यों की रचना की और बहुत उम्दा तरीके से रचना की कैसे वो धीरे धीरे नास्तिक हो गए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि वो स्टार्टिंग में जब छात्रावास में रहते थे तो प्रार्थना घंटों किया करते थे, घंटों गए थे, मंत्र के जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने ये जाना कि कोई सर्वशक्तिमान चीज़ नहीं है और ये सब महज एक ढकोसला है, ये सब जो है एक व्यर्थ की बात है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है और ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये चीज़ उसमें कही थी भगत सिंह ने कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है, जिस दिन फांसी का फंदा मेरे गले में लगेगा मेरी आत्मा मेरा शरीर जो भी है वो सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भगत सिंह एकदम से नास्तिक नहीं हुए थे, वो 1926 के अंत तक, जैसे वाई एथिस्ट के अनुसार मैं नास्तिक क्यों हूँ उसमें बताया जाता है, तो उसके अनुसार 1926 के अंत में जब उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले भगत सिंह नास्तिक हो गए थे, और उन्होंने जब उनके दोस्त ने उनसे कहा कि देखना तुम अभी तो नास्तिक होने की बात कर रहे हो लेकिन जब फांसी की तरफ जाओगे तो तुम्हें भगवान की याद आएगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मेरे दोस्त मुझे कभी भी नहीं आएगी, और अगर मैंने ये विचार कर लिया है तो मैं अब इस पर ताउम्र तटस्थ रह के दिखाऊँगा और अड़िग रह करके दिखाऊँगा। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो मानते हैं उनसे सवाल पूछा था कि अगर आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो वो हर उस क्रूर इंसान को क्यों नहीं रोकता जब वो अपराध कर रहा होता है या फिर वो किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा होता है। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी उसमें वाई आई एम एथिस्ट में, ये बहुत अच्छा है और युवाओं को पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था, वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोण, और वो लेनिन से बहुत प्रभावित थे, रूस के जो लेनिन थे उनसे बहुत प्रभावित थे, और 24 जनवरी 1930 को जब लेनिन दिवस था तो सारे जो क्रांतिकारी थे वो अपने गले में रुमाल डाल करके और अदालत में पहुँचे थे लाल रुमाल डाल करके, और उन्होंने ये कहा था लेनिन जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो उन्होंने मास्को एक तार भी भिजवाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लेनिन दिवस पर ये आपको ये दिली मुबारकबाद देते हैं और हम विश्व के क्रांतिकारियों के साथ अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने चिंतन को विस्तार भी किया और इसके बाद में एक बहुत गंभीर प्रसंग आता है यहाँ पर कि वो दिन बहुत भगत सिंह दिवस के नाम से उसे पूरे भारत में मनाया गया था। 12 मई 1930 का दिन था जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों को हथकड़ियाँ लगा करके जेल से अदालत में पेश किया गया था। तो उस समय के जो जज थे वो 3 जज थे, जब 1 मई 1930 को ट्रिब्यूनल गठित हुआ तो उसके 3 जज थे, जस्टिस कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस जी सी लिटन और जस्टिस आगा हेतर। तो जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को हथकड़ी लगा करके लाया गया तो उन्होंने हथकड़ियों का विरोध किया और वो बस में से उतरने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो थोड़ा बहुत उनको कोल्डस्ट्रीम ने कह दिया कि आप जो है ज़बरदस्ती उनको उतार दो, तो ज़बरदस्ती उनको उतार दिया गया। तो और उनके खाने के लिए जब उनका खाने का टाइम आया तो उनके खाने के लिए हथकड़ियाँ खोली गई, और वापस जब खाने के बाद में उनको हथकड़ियाँ लगाई गई तो भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, तो कोल्डस्ट्रीम ने ये आदेश दे दिया कि इन पर लाठी चार्ज कर दो, इनको इनकी पिटाई की जाए। तो सभी अधिकारी जो पुलिस के थे और पुलिस के जो भी टाउट थे या हवलदार थे जो भी इनके काम के थे, तो उन्होंने भगत सिंह को और सभी क्रांतिकारियों को लकड़ियाँ, डंडे और जूतों से पिटाई की थी, और विशेष रूप से भगत सिंह की पूरी जो जनता थी लाहौर की और अदालत के जो वकील थे उन सबके सामने बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। हालांकि यहाँ एक मानवतावादी दृष्टिकोण भगत सिंह का, उसमें ये लिखा, उसमें उन्होंने जो पत्र भेजा था 25 जून 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल के गठन पर, जब कोल्डस्ट्रीम को हटा दिया गया था और कोल्डस्ट्रीम को हटाने के बाद में उनकी जगह जी सी लिटन, जे पी टेप और जस्टिस अब्दुल कादिर, लेकिन उस दिन जो 12 मई 1930 की जो घटना हुई थी उस टाइम जस्टिस आगाहेदर ने साइन नहीं किए थे उस दिन की कार्रवाई पर, और फिर ट्रिब्यूनल नया गठित किया गया था जिसके जज मैंने आपको बताए हैं। तो 21 जून को ये गठित किया गया था, 25 जून को उन्होंने
पत्र भेजा। तो पत्र में ये कहा भगत सिंह ने कि आप हमारा कोल्ड स्ट्रीम से कोई भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। अब यहाँ भगत सिंह का मानवतावादी दृष्टिकोण देखिए, जिस व्यक्ति ने भगत सिंह को पिटवाने के आदेश दे दिए, पूरी जनता के सामने जलील किया, और एक तरीके से ये भगत सिंह का उद्देश्य भी था कि पूरी जनता के सामने अंग्रेजी हुकूमत की सच्चाई ला करके रख देना। बाकी उनको मालूम तो था सही कि अंग्रेजी सरकार जो है वो बदले की राजनीति कर रही है और वो किसी भी हालत में जो है फांसी ज़रूर देगी। इसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख भी लिखे, और जब उनको उन्होंने बटुकेश्वर दत्ते की बहन प्रोमिला जो है उनको पत्र लिखा था, वैसे उन्होंने जुलाई के अंदर 12 जुलाई के करीब बटुकेश्वर दत्त और उनके लिए तो जूते पहले ही आ गए थे, बटुकेश्वर दत्त के लिए जूते। इसके बाद में बटुकेश्वर दत्त का ट्रांसफ़र कर दिया गया था लाहौर जेल से, शायद सीधे अंडमान निकोबार किया गया था क्योंकि उनको काला पानी की सजा हुई थी। बाद में शिव वर्मा भगत और बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह जो भी क्रांतिकारी थे, इन सभी को। इसके बाद उन्होंने सुखदेव को एक पत्र लिखा था, तो सुखदेव को पत्र में जिक्र किया था कि प्रेम एक बहुत ही बड़ी मानवीय भावना है, प्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पत्र में मेजिनी का भी जिक्र किया था। मेजिनी इटली का वो क्रांतिकारी था जो एक बार निराश हो गया था, या वो पागल हो जाता या फिर आत्महत्या कर लेता, लेकिन उन्होंने उनकी जब प्रेमिका का पत्र आया तो वापस उसी तरीके से स्टार्ट हो गए थे। भगत सिंह ने सचिंद्रनाथ सान्याल की जो किताब थी बंदी जीवन, उसका पंजाबी के अंदर अनुवाद भी किया था, और जो डेन ब्रिन थे आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनकी जो माय फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था भगत सिंह ने। तो ये भी उन्होंने उनकी बहुत बड़ी रचनाएं हैं। भगत सिंह की जेल की नोटबुक भी मिली थी, 404 पेज की नोटबुक थी, और उस नोटबुक के एक पेज पर उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के सिग्नेचर भी लिए थे, और उसमें उन्होंने जो 43 किताबों का जिक्र मिलता है कि 43 किताबें जो है भगत सिंह ने 43 किताबों के नोट्स उसमें लिए हैं। हालांकि आम तौर पर तो वो जेल थी, लेकिन भगत सिंह ने उस जेल के उस कमरे को, भगत सिंह की जो जहां उनकी शहादत हुई और जहां उनका जन्म हुआ, वो दोनों ही जगह जो है आज पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की सरकार ने भगत सिंह की जो स्कूल थी बंगा चक नंबर 105, उस स्कूल पर 8 करोड़ रुपए खर्च करके और उस स्कूल को रिनोवेट करवाया है। और भगत सिंह का जो घर था, तो उस घर में अभी तो फिलहाल तो किसी प्राइवेट आदमी के पास में है और वहाँ कोई रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक कमरा जिसमें भगत सिंह पैदा हुए थे, तो वो कमरा जो है उन्होंने सरकार को दे दिया, जहाँ सरकार ने छोटा सा म्यूजियम बनवा दिया, जहाँ मतलब उनकी किताबें हैं और उनकी डायरियाँ हैं और उनके चित्र हैं। और अभी हाल ही में 2020 की अगर अपन बात देखें, तो लाहौर के अंदर जहाँ जेल थी, तो जिस जगह भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो अभी शादमान चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी 2020 में अभी जब अपना लॉकडाउन चल रहा था तब भी वहाँ बात उठी थी, और इस बात की अपील उठी थी कि सरकार को जो है शादमान चौक का नाम बदल करके भगत सिंह चौक कर देना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के वो ये चाहते हैं। तो इसके बाद में जब उन्होंने वो लिखी, और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को जीसी हिल्टन जज द्वारा जीसी हिल्टन की अध्यक्षता में जो जज की बेंच थी, उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी थी। और इससे पहले 30 सितंबर 1928 को भगत सिंह के जो पिता थे, उन्होंने 7 अक्टूबर 1930 को तो फांसी की सज़ा सुनाई गई, और 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता ने और भी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये पैरवी की कि अंग्रेज सरकार उनकी जो फांसी की सज़ा है वो तब्दील करके उम्र कैद में बदल दे, ऐसा प्रयास किया गया। तो भगत सिंह ने 4 अक्टूबर 1930 को जो पत्र लिखा, और उसमें ये कहा कि आपके ये सब चीज़ें मुझे बहुत आहत करती है पिताजी, आप जितनी मेरी ज़िंदगी को अनमोल समझते हैं, कीमती समझते हैं, उतनी है नहीं, और स्वतंत्रता की वेदी पर मैं अग्रसर हो चुका हूँ, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत आहत करती है, यदि आप फिर भी करते हैं तो मैं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं। और उन्होंने कहा था कि ये पत्र जो है आप प्रकाशित करवा दें, और हो सकता है इस सप्ताह फैसला आ जाएगा। इसके बाद में भगत सिंह कोई भी काम सोच विचार करके करते थे। भगत सिंह को मालूम था कि कोई भी कार्य जो है वो बहुत अधिक समय तक लोगों के जहन में रहने वाला है और लोगों को प्रेरणा देगा। तो वो जो है अदालती कार्यक्रम को उन्होंने पूरे अपने क्रांतिकारी जो भी
क्रांतिकारी जो भी आंदोलन की गतिविधियाँ थी उसके अनुसार इस्तेमाल किया था उन्होंने अदालतों को। जब उनको फांसी दे दी गई तो उन्होंने फिर बटुकेश्वर दत्त को पत्र भी फांसी सुना दी गई है और ये सब चीज़ें थी। भगत सिंह उस समय इतने बताया जाता है इतने लोकप्रिय हो गए थे कि चेन्नई के एक गांव में जब कोई लड़का हुआ था तो उस समय उसका नाम भगत सिंह कर दिया गया था। ऐसी सोर्स तो नहीं है लेकिन ये बताया जाता है ऐसा। तो भगत सिंह काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और बच्चे बच्चे के नाम पर भगत सिंह का नाम आ गया था। उन्होंने अपने भाई कुलतार और कुलबीर सिंह को भी पत्र लिखे थे और उन्होंने उसमें कुलतार सिंह को पत्र लिखे जिसमें ये चीज़ लिखी थी कि खुश रहना और अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं और नमस्ते उनका भाई 22 मार्च को। और भगत सिंह देश के हालातों पर क्या सोच रहे होंगे। भगत सिंह का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दर्शन था। भगत सिंह का सबसे बड़ा जो आप यहाँ देखते हैं तो वो ये है कि भगत सिंह का समाजवाद था। सबसे पहले देखते हैं कि लोग परस्पर घुल मिल करके रहने चाहिए, हिंदू और मुस्लिमों में दंगे नहीं होने चाहिए। इसका सीधा लाभ जो है उन्होंने नौजवान भारत सभा की घोषणा पत्र में भी लिखा था कि यदि आप सांप्रदायिक दंगों के आधार पर लड़ाई करते हैं, यदि आप अपने अपने कौमों में बटे रहते हैं तो इसका विदेशी शत्रु लाभ उठाते हैं। तो इस समय सबसे जो अहम बात है वो युवाओं की ये है कि आपको सांप्रदायिकता और जातिवादिता छोड़नी होगी और उससे आगे बढ़ना होगा। हम किसी हिंदू में मुस्लिम में और या फिर जातियों के आधार पर बट करके नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधक है 21वीं सदी हो या उस समय का हो वहीं से लेकर के आज तक हमारी अपने आप में बटने के कारण ही विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर राज कर पाए थे, नहीं तो विदेशी आक्रांता राज नहीं कर पाते। जब हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का घोषणा पत्र लिखा गया तो उसमें एक चीज़ थी तो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि लॉर्ड बर्केनहेड ने एक बात कही थी कि हम तलवार के दम पर भारतीयों पर शासन करते हैं और तलवार के दम पर ही जो है हम वहाँ शासन स्थापित करते रहेंगे। तो जब अगर अपन बटे हुए नहीं थे तो किसी भी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो ये कथन कह दे, लेकिन हम बटे हुए थे। और ये बात सही भी है कि भगत सिंह और तमाम स्वाधीनता क्रांतिकारियों से पंडित नेहरू जेल में मिल करके आए थे और पंडित मदन मोहन मालवीय भगत सिंह और पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के उनके आज भी उनके ऊपर दिए गए बयान उपलब्ध हैं। और यहाँ एक सबसे गंभीर और बहुत विश्वसनीय जो बयान लगा वो मेरे को ये लगा था कि भगत सिंह की शहादत पर फांसी हुई थी तो उस दिन पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि अब भगत सिंह हम पर बहुत देश दुखी होगा कि हम भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवा पाए इस और हमारी इस असफलता पर देश बहुत दुखी होगा, लेकिन हम सभी देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब शासन और हमारे बीच कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि अब उसके और हमारे बीच में भगत सिंह की लाश पड़ी होगी। तो ये पंडित नेहरू का बहुत क्रांतिकारी बयान था और उसके बाद में जो क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हुआ वो बहुत गजब का हुआ था। भगत सिंह को जैसा कि आप सभी को मालूम है भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन वो भगत सिंह का इतना लोकप्रिय और लाहौर जेल के बाहर इतने सारे लोग आकर के इकट्ठे हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था को संभालना अंग्रेजों के लिए एक बड़ा दुष्कर कार्य साबित हो सकता है। तो इसी के चलते जो है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को एक दिन 11 घंटे पहले सुबह 6 बजे दी जानी थी, शाम को 7 बजे के करीब 7:30 बजे के करीब फांसी दी गई। तो उस समय भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और भगत सिंह ने ये कहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है और ऐसे सब हुई थी। तो उस समय आमतौर पर यह होता था कि किसी को भी फांसी दी जाती थी तो उसका फ़ोटो पहले लिया जाता था, लेकिन उस समय इतनी जल्दबाजी की गई कि भगत सिंह का और शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव का कोई फ़ोटो नहीं लिया गया था। इसके बाद में भगत सिंह और इन सबको फांसी दे दी गई और गुपचुप तरीके से तिहाड़ जेल की दीवार पीछे वाली दीवार तोड़ करके और भगत सिंह और तमाम जो दोनों थे सुखदेव और शहीद राजगुरु इन तीनों को जो है ऐसा बताया जाता है कि इनकी बॉडीज़ को काट करके और एक थैले में भर करके एक बोरियों में भर करके और पीछे वाली दीवार तोड़ करके ट्रक में भर करके और सतलुज नदी के खंबा नंबर 13 और खंबा नंबर 14 के वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन
जो गांव था पास में ही, तो वहाँ के लोगों ने देख लिया था, तो इसमें अंग्रेज और वो भाग करके आए, तो अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने अध जली लाशों को ही सतलुज में फेंक दिया। फिर बाद में उन्होंने गोताखोरों ने देखा तो अवशेष मिले नहीं मिले ये तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये था कि मिल गए थे। तो फिर उनको ताबूत में भर करके दूसरे दिन लाहौर में बताया गया। तो ये था कि अंग्रेजों की क्रूर राजनीति, बदले की राजनीति होती है। अब ये था कि भगत सिंह के सपने, तो भगत सिंह के सपने ये थे कि सबसे पहला सपना जो उनका ये था कि शोषण समाप्त हो जाना चाहिए, मजदूर और किसान वर्ग की सभी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए। अब ये समस्या कब समाप्त होती है? जब अमीर और अमीर नहीं बने, क्योंकि अमीर और अमीर बनेगा तो ये जाहिर सी बात है कि गरीब और गरीब बनेगा, ये तो बिल्कुल श्योर बात है। अब अमीर के और अमीर बनने से और गरीब के और गरीब बनने से एक चीज़ होती है कि आर्थिक खाई बढ़ती जाती है, और जब जब आर्थिक खाई बढ़ती है तो पूंजीवाद का निर्माण होता है, और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का प्रथम चरण है, और फिर पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद के बाद में फिर युद्ध होता है, और फिर उसी के चलते क्रांतियाँ होती है, और फिर विनाश होता है। तो ये था कि सपने ये थे कि आप शोषण आधारित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हर एक आदमी को अपने स्वेच्छा से काम करने का हक, और काम करने के घंटे कम किए जाए, जितना काम करे उतने पैसे दिए जाने चाहिए, उतना उनका मेहनताना दिया जाना चाहिए। और भगत सिंह निजी संपत्ति के विरोधी थे, भगत सिंह ने मना कर दिया था कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति से लालच उत्पन्न होता है, और लालच के उत्पन्न होने से फिर राजसत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि निजी संपत्ति की सुरक्षा करनी पड़ती है, और राजसत्ता से फिर जो धीरे 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 वो पूंजीवाद मिश्रण आ होता है, व्यवस्था बिगड़ती जाती है। तो भगत सिंह के सपनों में तो यही है कि सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये मानता हूँ कि आपको अध्ययन में रुचि रखनी चाहिए, जो भी युवा है। अगर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई नेता बोल गया, कोई भी व्यक्ति आकर के बोल गया, तो वो बात वैसी की वैसी नहीं माननी चाहिए। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अध्ययन करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है कि अध्ययन करें, क्योंकि खुद भगत सिंह ने बहुत अध्ययन किया था, और उनके अध्ययन का ही परिणाम था कि आज वो शहीद आज़म बन गए। उनके अध्ययन का ही परिणाम था कि उन्होंने एक इतनी कम उम्र में 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन एग्जैक्टली उम्र ये थी, तो इस उम्र में ही उन्होंने इतना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण दे दिया था। हालांकि जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, और उन्होंने एक नोट्स भी लिए थे, वो आपके उपलब्ध हो जाएगी कहीं भी ऑनलाइन या लाइब्रेरीज में, तो वहाँ उनके दृष्टिकोणों को पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। और मार्क्स, गैरिबाल्डी, मेजिनी, लेनिन, जैसा मैंने बताया, तो लेनिन के वो बहुत करीबी थे, और लेनिन ने जिस तरीके से 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और उन्होंने जारशाही थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया था लेनिन ने, तो वो उनका काफ़ी मनपसंद था। और 1924 में फिर लेनिन शहीद भी हो गए थे, मर गए थे। इसके बाद भगत सिंह का लेनिन पर बहुत प्रभाव रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अध्ययन में बहुत रुचि रखनी चाहिए, और राजनीति और सामाजिक कार्यों में सबसे ज़रूरी है युवाओं का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। आमतौर पर हम लोग डर जाते हैं कि रिस्क लेने से डरते हैं, जोखिम उठाने से डरते हैं, कि कोई पीट सकता है, मार सकता है। अगर एक लोकतंत्र के अंदर भी ये बात सोची जाए कि आपको अपने विचार प्रस्तुत करने पर कोई व्यक्ति मार सकता है, या कोई व्यक्ति आपकी पिटाई कर सकता है, तो फिर लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आपको अपने विचारों के आधार पर जनता से तालमेल बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ भाग लेना चाहिए, फैक्ट के साथ भाग लेना चाहिए, तथ्य के साथ भाग लेना चाहिए, क्योंकि किसी का भी स्टेटमेंट हो या किसी की भी जो बात हो उसको ज्यों का त्यों नहीं मानना चाहिए। और भगत सिंह खुद कहा करते थे कि आलोचना बहुत ही बेहतर तरीके से करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाला रामशरण दास जो गदर पार्टी संबंध रखते थे, और उन्होंने बहुत एक ड्रीमलैंड बुक भी लिखी थी, अंग्रेजी काव्य है, तो उसकी भूमिका लिखते समय भगत सिंह ने ये बताया था कि मैं इसकी आलोचना करूँगा, और इस बुक की जो उन्होंने भूमिका के तौर पर आलोचना की थी, और भगत सिंह ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इसलिए जो इस मेरी जो भूमिका है इसका स्थान पहले नहीं होगा और इसका स्थान पुस्तक के अंत में होगा। तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखती है कि आलोचना बहुत ज़रूरी है, और एक आपके स्वतंत्र विचार होने चाहिए, और स्वतंत्र विचार जनता के बीच में आने चाहिए, जनता उनको किस प्रकार से एक्सेप्ट करती है। और मजदूर और किसान वर्ग के लिए आवाज़ उठाना युवाओं का प्रथम कर्तव्य है। युवाओं का सबसे ज़रूरी काम वो ये है कि पढ़ना, लेकिन राजनीति विज्ञान में हिस्सेदारी निभाते हुए
राजनीति विज्ञान में सदर निभाते हुए व्यवस्था को पूर्णतः पूंजीवादी नहीं बनने देना और एक तरीके से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शोषण को समाप्त कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं को भी इसके पर आवाज़ उठानी जरूर चाहिए। यदि आपको कहीं गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो महज इस जोखिम से यदि कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि आपको कोई पीट देगा या आपको कोई मार देगा, जैसा कि अपन आमतौर पर अखबारों या टीवी में देखते रहते हैं, और टीवी वालों ने तो बिल्कुल सांप्रदायिक करके युवाओं का जो ब्रेन वॉश कर दिया है। सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, फैक्ट विहीन हो चुका है। सोशल मीडिया के पास में कोई तथ्य नहीं है, सोशल मीडिया के पास में वही लोग हैं जो फेक का दुष्प्रचार करते रहते हैं और इतना बड़े नेटवर्क पर करते हैं कि वो लोग उनको इंसान सही करते करते थक जाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक साल में तकरीबन 5-6 बार भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन भेजने वालों को ये मालूम नहीं होता है कि भगत सिंह का वास्तव में जन्म कब हुआ था। तो वो ऐसे ही लोग हैं, तो इस प्रकार युवाओं को नहीं बनना चाहिए, उनको फैक्ट और फेक की पूरी जाँच करनी चाहिए, उसके बाद में कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर अपनी जानकारी अगर सही है तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। भगत सिंह के विचारों का, जैसे आजकल अभी ट्रेंड चलता है बहुत सारा कि हर हर फलाना और घर घर फलाना, तो वैसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि हर हर भगत सिंह और घर घर भगत सिंह। तो आमतौर पर लोग डरते हैं शहादत के डर से कि घर में भगत सिंह नहीं पैदा होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगत सिंह हर घर में होने चाहिए और इतनी बुद्धिजीविता होनी चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह से रूसी क्रांतिकारियों के बारे में सुना करते थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ते बहुत कम थे, लेकिन उनको सुनने का बहुत शौक था और ये सुनाते थे, भगत सिंह सुनाते थे और भगवती चरण वोरा सुनाते थे, शिव वर्मा सुनाते थे, बटुकेश्वर दत्त सुनाते थे, सभी को पढ़ने का बढ़िया शौक था, लेकिन भगत सिंह को साथ में चिंतन करने का, मनन करने का और अपना एक दृष्टिकोण देने का, आलोचना करने का बहुत ही उम्दा नायाब उनकी प्रतिभा थी। भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वाधीनता संग्राम के ये तीन सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लीडर थे, भगत सिंह, पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर भगत सिंह जीवित होते, पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों से आगे भगत सिंह होते, तो ये भी माना जाता है भगत सिंह का वैसा नहीं है जैसा उनको पिस्तौल दिखा करके दिखाया जाता है या उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। भगत सिंह एक बहुत ही 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन के जो समय का भगत सिंह है वो इतना व्यापक है कि यदि आप उनको पढ़ोगे तो बहुत ही आपका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाएगा कि फेंक और फैक्ट की चीज़ें समझने के साथ साथ में चिंतनशैली इतनी विस्तृत हो जाएगी कि आप स्वयं मौजूदा जो समाज व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन की बात करने लग जाओगे। क्रांति का जो अर्थ उन्होंने बताया था वो यही है कि क्रांति खूनी संघर्ष नहीं है, खूनी लड़ाइयाँ नहीं है, क्रांति का अर्थ यही है अन्याय पर आधारित शोषण व्यवस्था को समाप्त करना, मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। तो युवाओं को भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन और कल मेरी आपसे बहुत अपील रहेगी और ये मेरी बहुत दिली इच्छा भी रहेगी कि आप सभी जो हैं भगत सिंह के बने हुए टी शर्ट नहीं पहने, भगत सिंह की फ़ोटो के टी शर्ट नहीं पहने, भगत सिंह के ये सब चीज़ें मत लाइए, टी शर्ट विशर्ट जिन पर भगत सिंह की फ़ोटो हो, आप उसी पैसे की एक भगत सिंह की किताब खरीद करके लाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि वो आपकी चिंतनशैली को बहुत विस्तृत कर देगी। इसके बाद में मेरी आपसे एक और ये अपील रहेगी, कल भगत सिंह का जन्मदिन है तो कल भी हम पहल युवा संगठन के पेज और यहाँ अजीम प्रेम जी के तत्वाधान में आयोजित समारोह में शामिल होंगे, तो आप वहाँ भी होना। और उसके बाद में एक बहुत ये रहेगी कि कल जितने भी फेंक मैसेज आए भगत सिंह की पीली पगड़ी पहने हुए और पिस्तौल दिखाए हुए, तो उन सब के बारे में आप सभी सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।